एचआर के लफड़े। पहले कैंडिडेट नहीं मिलता, कैंडिडेट अगर मिल गया तो उसे इंटरव्यू देने का टाइम नहीं है, इंटरव्यू देने का बिल्कुल टाइम नहीं है। हालांकि वो एक इमीडिएट जॉइनर है, उसको जॉब की आज ज़रूरत है, बट इंटरव्यू देने का टाइम नहीं है उसके पास। फिर कैंडिडेट के पास अगर टाइम होता है तो पैनल नहीं मिलता, इंटरव्यूअर के पास टाइम नहीं होता। और अगर इंटरव्यूअर के पास टाइम हो गया, हमने स्केड्यूल भी कर दिया इंटरव्यू, तो सेम डे कैंडिडेट का एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से उसकी दादी नानी सब मर जाती है। सेम डे सेम टाइम 5 बजे इंटरव्यू है, 5 बजे ही कोई ना कोई कुछ ना कुछ कांड होगा। फिर इन सब के बाद अगर इंटरव्यू हो जाता है तो पैनल के पास फीडबैक देने का टाइम नहीं है। इन केस फीडबैक भी ले लिया तो पैनल के पास इवैल्यूएटेड फीडबैक देने का टाइम नहीं है। वन लाइनर फीडबैक देगा, सेलेक्टेड रिजेक्ट बताएगा, बताएगा नहीं, बिल्कुल नहीं बताएगा। अगर कैंडिडेट रिजेक्ट हुआ, बस पसंद नहीं आया, कर दिया रिजेक्ट, हमारी पूरी मेहनत गई पानी में। और अगर कैंडिडेट सेलेक्ट हो गया तो उसे अचानक से, मतलब आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, 4-5 ऑफर और मिल जाते हैं, काउंटर ऑफर, जिससे उसे हमारे ऑफर को कंपेयर करना है। फाइनली आता है ज्वाइनिंग डेट, और ज्वाइनिंग डेट से पहले कैंडिडेट ऐसा घोस्ट बने।